बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की ये वीडियो एक ऐसी बहन की है जिन्होंने जब होश संभाला तो उनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे। दोस्तों अल्लाह किसी को भी बेसहारा नहीं छोड़ता, जब किसी का कोई नहीं होता तो उसके साथ उसका अल्लाह होता है। अल्लाह ताला ने इनके चाचा के दिल को नरम कर दिया और ये फिर अपने चाचा के साथ रहने लगी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि इनके चाचा ने इनका निकाह एक गरीब घराने के लड़के से कर दिया। दोस्तों यहाँ तक तो सब ठीक था, जैसे तैसे घर चल रहा था, लेकिन परेशानी तो तब आई जब इनके घर में एक नन्ही सी जान आई और इनका एक बेटा हुआ। दोस्तों अल्लाह सुबहान व ताला ने हम सबको इस दुनिया में एक इम्तिहान के लिए भेजा है और उस इम्तिहान में अल्लाह सुबहान व ताला हर तरह से आजमाता है। अल्लाह किसी को दे के आजमाता है तो किसी को ना दे के उसके सब्र से आजमाता है। दोस्तों असल बात यह है कि इनका जो बेटा है उसके दिल में एक छेद है और जिसकी वजह से इनके बेटे की जान अभी खतरे में है, जिसको ठीक करने में लाखों रुपए लगेंगे। दोस्तों वैसे तो हम अपने दोस्तों पर या अपना कोई शौक पूरा करने के लिए बहुत पैसा खर्च कर लेते हैं, लेकिन क्या आप इस बहन के लिए और इस मासूम बच्चे के लिए कुछ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो मोबाइल स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है इस नंबर पर आप गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के ज़रिए किसी भी तरह से इनको सपोर्ट कर सकते हैं। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी हो सके अपनी हैसियत के मुताबिक आप इस बहन को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर पैसों से नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो को शेयर करके भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके शेयर करने से ही ये वीडियो वायरल होगी और ये वीडियो जितनी ज़्यादा वायरल होगी उतनी ज़्यादा इस बहन को मदद मिलेगी। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, तो दोस्तों मैंने जब इस बहन से बात किया तो मैंने प्रूफ के तौर पर इनसे डॉक्यूमेंट दिखाने की भी बात कही, तो आप देख सकते हैं कि ये बहन पूरे प्रूफ के साथ आपसे मदद मांग रही है। और अब आप इनकी वीडियो भी देखें। हेलो अस्सलाम वालेकुम सबको, सलाम वालेकुम। राह जन्नत चैनल वाले हमारे को सपोर्ट करते बोले मेरे बच्चे के दिल में ये सुराख है। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया, मैं छोटी थी, 6 साल की उम्र में मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया। उसके बाद मेरे शौहर मेरे को दो तरफ से कर लेके ला लिए। बेचारे उन्होंने भी बहुत परेशान है, ये बच्चे का इलाज करेंगे बोल के मदद नहीं मिल रही कहाँ से भी। राह जन्नत चैनल वाले मदद करते बोले हम लोगों को, इंशाल्लाह हम लोगों को मदद मिलेंगी तो बच्चे का इलाज होगा। ये बच्चे को दिल में सुराख है, माँ के पैदाइश माँ के पेट में था जब से दिल में सुराख है बोल के निकला। फिर हम लोग गवर्नमेंट दवाखाने में लेके गए तो लोहे स्कैनिंग करे तो 4 mm का निकला। फिर लाओ बोले लेके जा रहे तो लापरवाही कर रहे मेरे बच्चे को। ये मेरे बच्चे के पूरे रिपोर्ट्स है मेरे बच्चे के, देखो स्कैनिंग रिपोर्ट्स कराए सो। देखो ये माँ के पेट में थे, खुद की स्कैनिंग की रिपोर्ट है, ये पूरे ये सब रिपोर्ट्स है। 4 mm का बोल के सुराख निकला था, ये 4 mm का सुराख बोल के निकला मेरे बच्चे को। बहुत परेशान है हम लोग ये बच्चे की तरफ से। ये बच्चा बहुत रोता, बहुत जिद करता, क्या तकलीफ़ होती नहीं मालूम ये बच्चे को। इतना परेशान है हम, बहुत गरीब है। दुआ लगेगी हम लोगों की, आप लोगों को सबको। राह जन्नत चैनल वाले हमारे को मदद करते बोले। दोस्तों अल्लाह सुबहान व ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई तो गया उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। दोस्तों अगर आप इस बहन की आज मदद करेंगे तो अल्लाह सुबहान व ताला आपको इसका वो नेमो बदल देगा कि आप जिसके बारे में गुमान भी नहीं कर सकते। दोस्तों उम्मीद है आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।